नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राजा लोग प्यार समस्तीपुर से। आप लोगों के प्यार सपोर्ट से हमने दूसरी बार लिया है टीवीएस की स्कूटी, और ये स्कूटी कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये नई गाड़ी लेने की खुशी में हम लोग केक काट रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज दीदी एकदम नहा हुआ के चार दिन बाद एकदम फ्रेश हो गई है। कल ही तो नहाए थे, कितना झूठ। लेकिन आप नहाए हुए नहीं लगते हैं। आप नहीं लगते क्योंकि आप रोज नहाते हो। चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग के पास बाइक नहीं है, कहीं घूम नहीं पाते हैं क्योंकि बाइक होना बहुत जरूरी है। और जो हमारा स्कूटी है वो गाँव में है, उस पर हमारा अधिकार है नहीं, क्या देखिए। तो फिर हम लोगों को ना स्कूटी का या फिर बाइक का जुगाड़ करना पड़ेगा। हो सकता है एजेंसी जाएंगे तो निकलवाएंगे, हाँ अगर किस्त पे मिल जाएगा तो नया हो सकता है। और ये घर की चाबी ले लिए हैं और आज यहीं पे रुके हैं ताकि जो काम हो जाए। गाड़ी देखने के लिए आए हुए थे। तो ये स्कूटी है, 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल है। कितना बता रहे हैं इनका आप? 40,000 रुपये। हम लोग जो सेकेंड हैंड गाड़ी देखने के लिए गए थे स्कूटी, तो वो सही नहीं क्योंकि वो एक्सीडेंटल गाड़ी है और उसका जो हैंडल है टूटा हुआ है। तो होंडा के शोरूम में आ गए देखने के लिए स्कूटी। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि सेंसर वाली है, इसमें ऑटोमेटिकली मतलब चालू हो जाएगा। ये तो ये नहीं चाहिए क्योंकि स्कूटी में बहुत दिक्कतें होती हैं। फाइनली हम लोग अपने घर पर पहुँच गए हैं और अभी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। गए हुए थे इमरजेंसी पे गाड़ी लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि तकलीफ होती है। भैया लोग की गाड़ी है तो अच्छा नहीं लगता है, अपना गाड़ी हुआ क्या देगी, हम लोग कहीं आराम से घूम सकेंगे। हाँ तो कोशिश है बस कि ईएमआई पे हम लोग गाड़ी लेंगे, अब पूरा कैश में नहीं लेंगे ईएमआई पे। तो देख करके आए, एक स्कूटी पसंद आई है और जिस एजेंसी में गए उसमें नहीं, दूसरे वाले एजेंसी में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ईएमआई के थ्रू पे जो है पैसा भरा जाएगा और गाड़ी कैसा है वो भी दिखाएंगे। और अभी तुरंत हम लोग जो है गाड़ी का डिलीवरी भी करवा के लेकर के चले आएंगे साथ में, ताकि हम लोग कहीं घूम सके। ब्लॉगर हैं, कोई सामान लाने के लिए जाना पड़ेगा तो फिर पैदल भी चल नहीं पाएंगे, बार बार ऑटो पकड़ नहीं सकते हैं। तो 2,000-4,000 जो भी आता रहेगा महीने में जो है, जैसे घर का रेंट दे रहे हैं वैसे वो भी दे देंगे। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं एजेंसी पर, ठीक है। अभी आधार कार्ड शायद हम लोग को लग रहा है घर पर ही छूट गया है, ठीक है, देवी जी का भी और मेरा भी। हालाँकि हम ले के आए पर ध्यान नहीं है कहाँ रखे हैं। चलिए ढूंढ के हम देखें, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से निकलवाना पड़ेगा। निकल जाएगा ना आधार कार्ड ऑनलाइन? हाँ तो ठीक है, चलिए आइए। पहले तैयार होकर के हम लोग आ गए एजेंसी में और यहाँ पे देखिए देवी जी हैं और ये हमारी स्कूटी है, ये वाला, ये हम लोगों ने पसंद किया है। देखिए आप लोग, क्या जी जो कि मुझे पसंद नहीं। आपको पसंद नहीं है तो फिर कौन सा ले लें, ये वाली? यही सब अच्छा लगता है आपको? अरे ठीक है, चल जाएगा, उतने में काम हो जाए बस। उस गाड़ी में खासियत यह है कि हम लोग कहीं मतलब दूर दराज जा सकते हैं, ठीक है। और ये सामने ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये ज़्यादा दूर तक चलता नहीं है, मतलब जो अपने खुद की गाड़ी से हमने जो एक्सपीरियंस किया, इंजन गर्म हो जाना बहुत ही ज़्यादा, और उसे कहीं भी 125 cc है शायद, इस वजह से तो वही गाड़ी हमने पसंद कर लिया। फिर भैया केक भी लेकर के आ गए और सारा कागज़ वगैरह भी बन चुका है। ये देखिए देवी जी के साथ में आराम से मस्त, और हमें मस्त अभी गाड़ी का जो है ना यहाँ पे बैठे हुए जिस जगह पे, ये सारा कुछ जो अच्छे तरीके से जो हटा दिया जाएगा। ये उससे आप लोगों के प्यार सपोर्ट से हमने ये दूसरी बार लिया है टीवीएस की स्कूटी, और ये स्कूटी कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये देखिए, ये आप लोगों का प्यार सपोर्ट से हमने लिया है क्योंकि हम लोगों ने जो घर लिया है ना तो वहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए काफी प्रॉब्लम होती थी। आप कैसा है कमेंट करके बताइए, ये थोड़ा करीब आइए, कैसा है बताएं आप लोग। बोलो बोलो, हम लोगों ने स्कूटी खरीद लिया, अब हम लोग अच्छे से वीडियो बनाएंगे आप लोग सपोर्ट के लिए। ये नई गाड़ी लेने की खुशी में हम लोग केक काट रहे हैं। सर थोड़ा आराम से फिसलेगा बहुत, इस पर फिसलेगा बहुत।
टाइल्स चला सकते हैं। हम लोगों ने गाड़ी को बाहर निकाल लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं हेलमेट देखने के लिए। आजा अभी आ जाइए, भैया को लेते हैं, बोले पहले भैया को लेते आइए। और देखिए इसमें कलर होगा ऐसा क्या, जो कलर हम लोग का है ना ग्रीन, तो वो मिल नहीं रहा है, तो ये देखिए बताया कैसा। अरे सर भैया आप पहन ही जरा एक बार, बहुत सही, हमारे पास तो पुराना, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताएं आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके। ये चल जाएगा सर उसमें, व्हाइट में, व्हाइट में चलेगा। एक मिनट सर हटिए, जब आईने में देख लें अपने आप को खूबसूरत दिख रहे हैं कि नहीं। दोस्तों बात ऐसी है कि अभी हम लोग बाहर हैं, तो देखिए भैया लोगों की गाड़ी है, तो भैया लोगों के नाम पे है, कुछ होगा प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ करे तो मेरे नाम से हो। क्या बोले, गलत बोल रहे हैं? सही है। हाँ ये चीज़ें जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ये भी नहीं हार मानना है कि चार मिनट की फैमिली है या डेढ़ मिनट की यूट्यूब की फैमिली है हमारे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ हार मान जाए, ये चीज़ें, क्योंकि जीवन में जितनी ठोकरें इंसान को लगता है वो इतना ही कठोर बनता है। क्या किनको समझा रहे हैं? तो बस हम दोनों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्यार सपोर्ट में मस्त खाना वाना बनता है, फिर मिलते हैं। बाकी गाड़ी कैसा है बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ये आप ही लोग हमारे माता पिता, आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। और दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट के, अदर से पूरा फुल सपोर्ट के। आप लोग कमेंट करें कि भैया जी ऑलरेडी आपके पास जुपिटर का स्कूटी था जिसका ईएमआई चल रहा था, फिर भी आपने नया स्कूटी क्यों लिया? क्योंकि भैया वो बिहार में था, उस पर ना मेरा हक है ना ही हमारे ज़मीन जायदाद पे हक है, ठीक है सब कुछ, अब क्या ही बोले। तो फिर जब मेरा हक नहीं है तो मेरा कुछ तो अलग होना चाहिए। और ये भी जो हमने स्कूटी लिया ये भी ईएमआई पे है, वहाँ का भी ईएमआई अभी चल रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, वहाँ करीबन कुछ ही दिनों में जो है वहाँ का ईएमआई हम क्लियर कर देंगे, और उस गाड़ी का जो नाम है मेरे नाम से, तो उसका कोशिश करेंगे कि नाम हट जाए, ताकि अब मुझे भरोसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उस गाड़ी को चला सकता है और मुझे बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वो गाड़ी का पूरा ईएमआई क्लियर करके उस पर कंप्लेन कर देंगे, और ताकि जो कोई अगर चलाए भी तो अपना नाम पे करवा ले उसके बाद चलाए। बाकी यही हमारे लिए गाड़ी है, यहाँ पे हम वाइफ के साथ में रहते हैं, तो थोड़ा सा ऑटो से चलना अच्छी बात नहीं है, और थोड़ा अपने दम पे अपना गाड़ी है तो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग आप लोगों को दे सकते हैं। तो यही मेरा मेन मोटिव था, और जिस चीज़ पे हमारा अधिकार नहीं तो उसको हम कैसे अपना बना सकते हैं। और बस आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट के, कैसा है गाड़ी, कैसा छोटा सा गिफ्ट लगा बताइएगा आप, यही मेरी दुनिया यही संसार है, आप लोग उस प्यार सपोर्ट बनाइए और आगे बढ़ाते रहिए। बगल में स्टार जाकर के फॉलो कर लीजिए अपना कीमती वक्त कल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।